भाई हम लोग आ गए यहाँ पे ब्रश करने, गुड मॉर्निंग हालत देखने वाले, ब्रश करने और मुंह धोने कैसे लग रहा है? पहले अकील का तो एक्सपीरियंस मैं पूछती हूँ क्योंकि अकील पहली बार आया। अकील कैसे लग रहा है तुम्हारे को? कभी ऐसा माहौल देखा है? नहीं भाई। एसी में रहने वाला बंदा जो पूरी रात बिना लाइट के सोया है और ये पाइप सब ये धुलेगा, ये मुंह और इनके दांत वांत ब्रश, लेकिन हर माहौल को एडजस्ट करना चाहिए। और यूसुफ इधर देखो, सलाम करो सबको। हाँ, अब मैं भी इसके बाद फ्रेश, अब मैं भी फ्रेश होती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। हाँ, कुछ कह रहे हो? सबसे ज्यादा अच्छे यहाँ के नलके लगे, देखें नलका डायरेक्ट नलका है, खोलने की जरूरत ही नहीं है। वाह जबरदस्त। हे व्यूअर्स, कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। दिस इज मी कराची की लड़की, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो भाई यहाँ जो सीन्स है ना वो ये है कि हम रात में सोए थे 3-4 बजे, मतलब 3 बजे सोए थे और अभी हम उठ चुके हैं। सुबह कितने बजे उठे? 9-10 बजे तक। मतलब कराची में हम कितने बजे उठते हैं? नहीं, 4 बजे, दोपहर में 4 बजे उठने वाला। आज सुबह ही सुबह 10 बजे उठ के बैठे मैं, आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ चल रही है सनोवर आनी की व्लॉग्स की तैयारियाँ, ठीक है, क्योंकि आज आनी जो है ना कुकिंग करने वाली है और खाना पकाने वाली है हम लोगों के लिए अपने हाथों से। नाश्ता, तो नाश्ता भी पकाने वाली है, खाना भी पकाने वाली है। तो हमारी मॉर्निंग हो चुकी है, अब हम नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं। अब ये सारी सेटिंग्स हों तो आनी जाएंगी खाना नाश्ता पकाने के लिए, ठीक है, फिर हम नाश्ता करेंगे और आपको दिखाते हैं कि भाई आनी ने क्या पकाया और कैसे पकाया। तो भाई यहाँ 1 घंटे के बाद हमें नाश्ता तैयार हो रहा है, क्योंकि आधा घंटा तो इसको रेडी करने में लग गया था, चूल्हा लगा फिर ये लगा। अब आनी बैठ चुकी है खाना पकाने के लिए। थोड़ा तू पीछे हो जाते हैं, वो चीटे ना लग जाए, क्योंकि चुमटा भी माशाल्लाह आलीशान है। कितनी देर में पक जाएंगे गाइस? नाश्ते के मारे मतलब भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है बड़ा जोर वाला। तो अभी इंतजार करते हैं कि आनी कब बनाएंगी, या इनका सेटअप चल रहा है ब्लॉग का और हम यहाँ अपना ही ब्लॉग लेके बैठ गए। BTS शूट है ये, यहाँ सब बैठे हुए नाश्ते के इंतजार में। हो गई इंतजार की। तो गाइस मिश्रा ने अपनी जिंदगी में अपने घर में कभी आटा नहीं निकाला और अम्मा ने मुझे सिखाया था, लेकिन मैं करती कुछ नहीं हूँ। अभी सिर्फ आने की मोहब्बत है अच्छा नहीं लग रहा, पराठा अच्छा नहीं बन रहा, मजा नहीं आएगा खाने में, मजा नहीं आएगा। अब ये सही बनेगा दूसरा इंशाल्लाह। ये पहला जो था थोड़ा फट गया था। बिस्मिल्ला ये बनेगा, देख ये बना है ना गोल पराठा, गोल 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 तो दुनिया ते गोल, गोल 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 तो दुनिया ते गोल, सड़ लाल रे ने ने ला 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 ला। ये गाना गाता है फखर खान, इसका है गाना। अब सही हुआ, फटाफट हो रहा है। ये देखो ये बनेगा, अब बनेगा अकील, देखो नहीं वो पहले फटाफट बना है भी, ये माशा जुटता है ना। तो मैंने कहीं तो हाथ नहीं लगाया, हाँ नहीं अब लगा रही, सब बहुत ये पलट गया। ये सब लगी है, अब बना है पराठा, अब बना है पराठा। हाँ मैं अभी पका दो। अच्छा बेटा अच्छा, तो भूंदा भी नहीं जा रहा और इतना है वो ढोल लगा दिए। अरे बहुत टाइट भूना है। तो भाई आज आनी ने फुल इरादा किया है, आज हमें गोल ही पराठे खिलाएंगी और देख लो कब से मेहनत कर रही है। हाय तो मैं ऊंची होके बैठ गई हूँ। बनने तो आज ही बनने, नहीं तो कभी नहीं बनने। फिर यहाँ पर आटा भी बहुत सकता, मेरा हाथ भी दुख रहा है टक 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 करके, लेकिन ये फिर भी नहीं सीधा हुआ। असल में हमने इसको ठहराया नहीं है ना, ठहराया भी नहीं है, खारे पानी से बनी। हाँ ये मसला है सारा, कपड़ों आ रहे हैं तो कारक भी बने।
अभी ये पराठा जो बना था देखो कि क्या हालत हुई बेचारे की। वो हुआ लेकिन आप ट्राई करते रहेंगे जब तक हम जीत ना जाए, मतलब कोशिश करते रहो जब तक आप जीत ना जाए। रोटी को पलटो, रोटी को पलटो, ज्यादा नहीं आएगा पहले से वो है ना उस तरफ। समझ आता नहीं, पहली बार बना रही हूँ यहाँ पर आखिरी पराठा, बाकी तो आनी बना चुकी है। आखिरी पराठा मेरे हिस्से आया, मैंने ही बोला था। तो यहाँ बन गया, इसको सीखेंगे हम और दिखाते हैं इसका रिजल्ट आपको। चलो भाई इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं, बस मिल जाए अब नाश्ता। कब मिलेगा बस थोड़ी देर इसके बाद चाय बनेगी फिर मिलेगा। ले भाई चाय बनाती रहना, नाश्ता दे देना भाई। तो भाई पराठे भी बन गए, कबाब भी बन गए, और ये कबाब खास मेरी मम्मा ने बनाया। देखो जरा मम्मा की यादें, हम साथ लेकर आए थे अपने। अब खाते देखते मम्मा ने कैसा बनाया था, हमें तो खिलाया नहीं मम्मा ने, नहीं खिलाया ना सुबह नाश्ते में। नमक खराब खा के आई है, बता कर दी बता दी। तो भाई बस में तुमने मुझे बताया था। हाँ नाश्ता करके आया था। सॉरी सॉरी सॉरी। तो भाई जल्दी नाश्ता करते हैं और खाते पीते हैं, ऐसे करते हैं, बन जाएगा आज की तारीख। सो भाई इंतजार की घड़ियां होती हैं खत्म और फाइनली हमें नाश्ता मिल चुका है। यहाँ जो बन रही है चाय, पराठा पक गया, ये है हमारे नाश्ता सीन। और ये जो पराठा मैंने बनाया था उसका ये असर हुआ है कुछ, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये वाला पराठा मैंने बनाया था और मैंने सिर्फ ट्रायल वर्जन के लिए बनाया था कि भाई गांव में पराठा कैसे बनता है, तो मैंने बना के चेक कर लिया। फाइनली पूरे एक दो घंटे के बाद हमें नाश्ता मिल चुका है सनोवर आनी के हाथ का। ये अम्मा के हाथ के जो है ना कबाब, ये पराठे सारे आनी ने बनाए, एक मैंने बनाया। चाय का इंतज़ाम बाहर हो रहा है, ठीक है वो आनी देखो देख सकते हो। आनी चाय बना रही है, व्लॉग बना रही है साथ, और हम जल्दी खाना खाते हैं क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में कोई काम पूजा। तो भाई हमारी पेट पूजा हो चुकी है, हमारा नाश्ता सस्ता अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं और इस्माइल साहब मेरे जो है मैनेजर हैं, मैनेजर साहब वो और मैं, हम दोनों अपनी अपनी चाय लेकर आ गए हैं। हम दोनों खाएंगे चाय बिस्किट, ठीक है, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बैठा नहीं जा रहा था हमसे, तो हम बाहर आ गए हैं चाय वाय पीने। क्योंकि अगर नाश्ते में चाय ना हो तो भाई चाय मतलब नाश्ता कंप्लीट नहीं है, और जब तक हम चाय ना पिए तो फिर तो नाश्ता ही कंप्लीट नहीं है ना। तो जल्दी जल्दी हम लोग चाय पीते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं मैं और इस्माइल, ठीक है चाय बिस्किट, देन आपसे मिलते हैं। तो भाई गांव आओ और आप ये ना पियो तो इट्स इम्पॉसिबल। पापा पी रहे हैं, अम्मा देख लो, अम्मा देख लो पापा पी रहे हैं। बेटा नकली वाला ना पियो, आवाजें आती हैं इसमें। हाँ मैं नहीं बनाऊ, ये देखो नकली पी रहे हैं, ये देखो पापा एक्शन बस। मैं सर घूमता है, ये देखो भैया है हुक्का यहाँ का, ठीक है ये देखो पापा पी रहे हैं नकली मूंछ का, ठीक है सिर्फ वीडियो के लिए दिखाने के लिए कि मैं पी रहा हूँ। अच्छा जी गांव और आप लोग हुक्का ना देखो ना पियो ऐसा इम्पॉसिबल है, लेकिन मैं पी नहीं सकती बिकॉज यहाँ जो है ना फिर मेरा सर चकराने लग जाएगा क्योंकि इसमें तंबाकू होता है, ठीक है। तो ये जो है ना यहाँ का वो नहीं होता एक नेशनलिटी, वो है ये। तो ये हुक्का है, ये मैं हूँ, ये हम पापा हैं, ये हमारी पौड़ी हो रही है, पौड़ी हो रही है बस करो। तो भाई थैंक यू सो मच। ये है यहाँ का जो है ना टीन डब्बे वाला, ठीक है आप लोग देख सकते हो किस तरह आया ये, ये देखो ये लोहे वाला टीन डब्बे वाला है यहाँ का, मींस ये गांव का टीन डब्बे वाला। और एक हमारा होता है एक सस्ती सी, जो एक सस्ती सी दुकान लेकर आ जाता है, कहता है टीन डब्बे लोहे वो वहाँ का। ये देखो बच्चे मुझे देख देख कैसे वहाँ से। तो भाई ये है गांव का टीन डब्बे वाला, लेकिन फिर भी गांव ने तरक्की की है, कराची वालों का नहीं कह सकते क्योंकि वो एक ठेला लेकर आ जाते हैं बोलते टीन डब्बे। तो मतलब यहाँ जो है ना आप लोग देख सकते हो किस तरह प्रोटोकॉल दिया जा रहा है टीन डब्बे वाले को, एक हमारे यहाँ के टीन डब्बे वाले और एक गांव के टीन डब्बे वाले। मैं तो हैरान है कि मतलब है ये घोड़े पे कौन आ रहा है, मैंने पिक्चर्स वगैरह ली, मैंने घोड़े पे कौन आ रहा है, तो बाद में पता चला टीन डब्बे वाला है। नाइस यार नाइस, ये देख रहे हो मेरा साया कितना प्यारा आ रहा है। अच्छा मैं यहाँ जो है ना वीडियो बना रही थी वो सामने वाले, अच्छा यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब अगर आपको कहीं खड़ा हुआ देख लें, अगर आप मेहमान आए हो किसी के यहाँ तो वो बोलते हैं आ जाओ हमारे घर पे चाय पी लो ये पी लो। मैं वहाँ खड़ी हुई व्लॉग बना रही थी, इस जगह पर खड़ी हुई, ये यहाँ खड़ी हुई व्लॉग बना रही थी मैं। तो जब मैं व्लॉग बनाई थी तो सामने आंटी ने मुझे आवाज़ दी कह रही इधर आओ,
अब मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या कहती हैं आंटी जी। ये वाले घर से मुझे दावत आई है, सब मतलब एक दिन तो जितने भी लोग हैं ना, सारे सारे बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं, बहुत ऑनेस्ट हैं, बहुत प्यार करने वाले सारे यहाँ के। किसी के घर पे मेहमान आते हैं वो लोग बुला लेते हैं कि भाई आप हमारे घर आ जाओ, आप हमारे घर आ जाओ। सलाम अलैकुम, आपने हमें बुलाया, हम हाजिर। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? नहीं नहीं मैं अपनी बना रही हूँ व्लॉग, वहाँ से बनाती हुई आ रही हूँ, मेरी ही शक्ल दिखाएगा बस ये। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? हाँ आती हूँ, अब व्लॉग बना रही थी मैं, वरना धूप चली जाएगी ना इस वजह से। कैसी हो तुम? ठीक हो? ये मेरी दोस्त बनी है कल। यहाँ पर मैं कल व्लॉग बनाने गई थी, आप लोगों ने व्लॉग में देखा, जब मैं पानी वगैरह भरने गई थी तो यहाँ पर मेरी काफ़ी दोस्तें भी बन गई। ये लोग बहुत प्यार करने वाले लोग हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ पर मेरी बहुत सारी दोस्तें भी बन गई। अगली बार आऊँगी ना तो आपको मतलब सब दिखाऊँगी कि क्या क्या किया था मैंने, ठीक है? मतलब रिवाइंड करेंगे, मैं आती हूँ ठीक है व्लॉग बना के, तो हम आपको दोबारा से दिखाएंगे। मैं कहाँ खड़ी हुई थी मुझे खुद भी नहीं याद है, मैं वहाँ खड़ी हुई थी। देख रही यहाँ पर एक जैसी जगह है सारी, ये देखो ये सारी जो है ना एक जैसी जगह है, लेकिन मैं वहाँ से आई थी, वहाँ से आई थी सामने से, और मैं यहाँ जा रही हूँ। मेरे काम चेक करो बच्चों, मेरे काम चेक करो, हम वापस अपनी जगह पर जाते हैं ठीक है जी। और बड़ी गर्मी है यार, बड़ी गर्मी है, और यहाँ कोई मसला भी नहीं होता, मतलब आप कहीं भी घूम लो कराची में, अगर वहाँ से यहाँ पे बगैर दुपट्टे के आप घूम रहे हो ना तो 10 बातें बन जाती हैं, 10 गालियाँ सुनने को मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ इतना सुकून है, आप लोग देख सकते हो, ये देखो यहाँ कोई भी नहीं है मेरे अलावा, पूरे रोड पर मैं अकेली हूँ। यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है कि भाई आप घर में जाओ, ये करके आओ, वो करके आओ, तो यहाँ बिल्कुल सुकून वाला माहौल है। बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, बड़ा इन्जॉय किया मैंने यहाँ पर, ठीक है जी। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड गाइस। यहाँ इतनी तड़कती धड़कती धूप हो रही है, यहाँ हमारी सुबह हो रही है और लोगों की दोपहर हो रही है, ठीक है? हमारी सुबह हो चुकी है, नाश्ता शास्ता हम लोग कर चुके हैं, यहाँ जो है ना सबकी दोपहर हो रही है, दोपहर के खाने चल रहे हैं, और अभी जो है ना हम नाश्ता करके बैठे हैं, ठीक है? और मुझे यहाँ के रास्ते थोड़े बहुत याद हो गए हैं, वरना मुझे और यहाँ के रास्ते याद हो जाए ऐसा इम्पॉसिबल है। तो भाई आप लोग गाँव की सुबह देख चुके हो कि भाई कितना अच्छा हमारा दिन गुजरा, कैसे गुजरा, क्या क्या किया, मींस के हमारी कैसी सुबह गुजरी, हमने क्या खाया क्या पिया, आप लोगों ने देखा। तो भाई होपफुली आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसी तरह मैं आपको गाँव के ट्रिप के साथ मिलती रहूँगी, गाँव के ब्लॉग्स के साथ मिलती रहूँगी। तो भाई स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, आगे क्या क्या मज़ेदार चीज़ें होने वाली हैं वो आपको सब्सक्राइब करने के बाद ही पता चलेंगी। नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि मेरे न्यू आने वाले व्लॉग आप तक पहुंचते रहें। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए मजेदार न्यू व्लॉग्स के साथ, न्यू व्लॉग के साथ। तो भाई स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड रहिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, उम्मा लव यू ऑल, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।